हेलो, पिछले कुछ हफ्तों से मैं कितना ज्यादा ही कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो आई डोंट थिंक मतलब मेरे को बताने की जरूरत है, वरना आप लोग मेरी कमेंट सेक्शन में व्हाट लगा दोगे। सो इन सारी बातों को रखते हैं साइड में और हम बढ़ते हैं हमारे जो मेन वीडियो के टॉपिक पे। सो आज हम वापस से खेलने वाले है एक मिनट, ये तो क्लैश ऑफ। सो हेलो ब्रदर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सो गाइस, इस वाले वीडियो में लेके आए थे हम हमारा इस सीरीज का फर्स्ट न्यू पेट। लेकिन इसके बाद ही हमारी जो ये वाली वीडियो थी, यानी कि जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, वहां पे आप लोगों को मेरा पेट देखने को नहीं मिला, और ना ही मतलब आप लोगों को मेरा पेट देखने को मिला, ना ही वो मतलब मेरे इस वाले कैरेक्टर्स के आसपास मेरा पेट घूम रहा था, और ना ही वो आप लोगों को मेरे ये पेट हाउस में देखने को मिला। सो आप लोगों को मतलब मैंने वो वाले वीडियो में कुछ ये कहा था, गाइस क्या हुआ ना कि मेरे को पैसों की कमी पड़ रही थी, इसलिए मतलब मैंने अपना पहला पेट ही बेच दिया। यप, नहीं नहीं नहीं, ऐसे मतलब मैंने कोई भी चीज़ नहीं की, लेकिन मैं आप लोगों को अगले कुछ वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब मैंने अपना पेट कहाँ छोड़ दिया और अभी मतलब वो मेरे पास है क्यों। सो अभी आप लोग सोच रहे होगे कि क्या मैंने सच्ची में ज्यादा पैसों के लिए अपने पेट को बेच दिया क्या? देखो आप लोग गलत तो नहीं सोच रहे हो, क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ। नहीं नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट मैं ऐसा कर जरूर सकता हूँ। लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, सो आप लोगों को इतनी चिंता करने की भी जरूरत नहीं कि अभी तक गेम में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आया कि हम अपने पेट को पैसों के लिए बेच सकते। सो मतलब मैं सबसे पहला आदमी होगा कि वो मतलब मैं करूँगा। सो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार मेरा पेट गया तो गया कहाँ। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाली वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मैं गया था वेरोन ड्रेरी के पास। मैं उसके पास क्यों गया? क्योंकि उसने अपने को बोला था कि जब हम कोई भी एनिमल को टेम कर ले, तब हमें उस एनिमल्स को क्या कहते हैं दिखाने लाना पड़ेगा वेरोन ड्रेरी को, क्योंकि उसको कुछ काम था। सो फिर क्या, मैं निकल पड़ा अपने पेट के साथ वेरोन ड्रेरी के पास मिलने के लिए। और जब मैं मतलब उसके पास गया और मतलब मैंने उसको अपना पेट दिखाया, तब उसने अपने को बोला कि ये पेट अभी के लिए मतलब मेरे को दे दे। तो मतलब मैंने उसको दे दिया, और उसके बाद उसने बोला कि इस पेट के साथ मतलब मेरे को कुछ स्टडी करनी है, और मतलब मेरे को कुछ सैंपल चाहिए ताकि मतलब मैं स्टडी कर पाऊँ, और स्टडी से मैं कुछ न्यू बाइट्स की रेसिपी अनलॉक कर पाऊँ तुम्हारे लिए। सो मतलब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं यार, अगर ये बंदा अपने को इस पेट की स्टडी करने से ही अपने को कोई न्यू बाइट की रेसिपी दे देगा, सो मतलब मेरे को कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। लेकिन मैं गलत था, उस बंदे का स्टडी करने का मतलब ये था कि वो बंदा परमानेंटली, जी हाँ परमानेंटली, वो बंदा अपने पेट को अपने पास ही रख ले लगा और उसके साथ स्टडी करेगा। लेकिन मतलब तभी मतलब मेरे को पता नहीं चला, लेकिन थोड़ी देर के बाद मतलब मेरे इस छोटे से दिमाग की बत्ती जली और मतलब मेरे को पता चला कि इस बंदे ने अपना पेट परमानेंटली ले लिया है। और उस बंदे ने और भी मतलब मेरे को बोला कि उसको और भी सैंपल चाहिए होगी, इतने सैंपल से उसका काम नहीं होने वाला है। और सिंपल से इसका मतलब था कि उसको और भी ज़्यादा एनिमल्स चाहिए, यानी कि उसको और भी ज़्यादा अपने पेट चाहिए उसको स्टडी करने के लिए, ताकि वो अपने को एक न्यू बाइट, एक स्ट्रोंगर बाइट अपने को दिए। सो फिर क्या, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं थी कि वो बंदा मतलब मेरे पेट ले लेगा और उसके बदले में मेरे को उससे हायर लेवल की मेरे को बाइट्स की रेसिपी देगा, जो कि जो मेरा जो पेट है उससे भी हायर लेवल के मतलब मैं पेट्स में उसको टेम कर सकूं। फिर क्या, मैंने उसको बोला कि भाई तेरे को जितने भी ज्यादा सैंपल चाहिए तू दिक्कत मत ले, तू बस मेरे को बोल कि तेरे को कितने ज्यादा तेरे को सैंपल चाहिए, मैं सारे के सारे सैंपल तेरे को ला के दूंगा। क्योंकि मेरे को इस चीज से कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, मतलब मेरे को एक वीक पेट के बदले में मेरे को उससे ज्यादा स्ट्रोंगर वाली बाइट मेरे को मिल रही थी। सो मतलब मेरे को तो उस चीज से कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। सो अभी आप लोग ये सोच रहे होगे कि मतलब मैंने ये 5 या 6 दिन से मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, सो मैंने क्या क्या इस 5-6 दिन। सो ऑब्वियसली बात है यार, मतलब मैं 5-6 दिन तो मतलब मैं कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं पूरा दिन ये देखूंगा। गेमिंग, ऐसे तो कुछ तूने स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था, तो तूने कैसे बोल दिया? ऊपर से अभी नो नेट नवंबर चल रहा है, तू ऐसी बातें कर रहा है, मजाक क्या ये है? मजाक क्या ये? आप सब लोगों को क्या लगता है कि मैंने ये 5-6 दिन क्या क्या होगा? क्या मैंने मतलब सच्ची में मैंने पूरा दिन अपना यूट्यूब एनिमे और ये सब देखने में निकाल दिया होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने बाकी के खाली टाइम में मैंने इस गेम में बहुत सारी मतलब मैंने बाइट्स बना ली, जो कि मतलब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरी बाइट्स।
ओ ये रे जो सारी की सारी मतलब मैंने नीचे रखी थी। सो मतलब मैंने ये 4 बाइट मतलब मैंने बना ली, और ये 4 के साथ साथ एक और बाइट है जो कि मतलब मैंने यहाँ पे वर्क बेंच में बन रही है, जो कि कल बन जाएगी आई थिंक, देखने दो मेरे को, ये कल भी बन जाएगी। सो मतलब अपने पास 5 क्या कहते हैं अभी के लिए तो बाइट है, अभी के लिए तो 4 है लेकिन 5 में भी बन रही है। सो आज हम क्या करेंगे कि आज हम कुछ क्या कहते हैं एनिमल्स को हम टेम करेंगे, और ट्राई करेंगे कि आज के दिन हम एक न्यू बाइट अनलॉक कर पाए। यस आज हम एक न्यू एनिमल को लाने वाले, और न्यू से मेरा ये मतलब है कि आई थिंक आज हम कोई सा न्यू टाइप का एनिमल्स लेके लाएंगे, और या फिर क्या कहते हैं अपनी जो कैट है उसका ही हम टायर 2 का वर्जन हम लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो पहले वाली जो बाइट थी वो क्या कहते हैं ये टायर 1 की बाइट है, यानी कि अपनी जो कैट होगी वो बस मतलब लेवल 15 की होगी। लेकिन आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि क्या कहते हैं वो बंदा अपने को टायर 2 की बाइट दे, यानी कि कैट की ये बाइट होगी लेकिन वो टायर 2 की होगी, यानी कि अभी हम टायर 2 की जो कैट्स होगी उसको हम टेम कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मतलब हम ऐसे ही मतलब अपनी जो पेट्स होगी उसको हम अपग्रेड करते रहेंगे ताकि हमारे लिए काफी ज्यादा ही आसानी हो अपने गेम में। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम मतलब कुछ एनिमल्स को हम टेम करके लेके आएंगे। सो हम डायरेक्ट चलते हैं पिन फोर्स में, क्योंकि वहीं पे अपने को मिलने वाली है टायर 1 की कैट्स, तो हम सारी की सारी मतलब कैट्स को हम लेके आएंगे, और हम क्या कहते हैं उसको टेम करके उस बंदे को देके आएंगे ताकि वो अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट कर पाए। सो डायरेक्ट जाते हैं पेन फॉरेस्ट। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ पेन फॉरेस्ट में, और आप लोगों को मतलब मेरी जो ये क्या कहते हैं ग्राफिक्स थोड़े कम लग रहे होंगे, थोड़े क्या मतलब मैंने पूरे के पूरे कम ही कर दी, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मैंने अपने ग्राफिक्स पूरे के पूरे एकदम लो में रखे, क्योंकि या अभी मतलब मेरा जो मोबाइल है वो अभी कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, एक साथ रिकॉर्डिंग और गेम दोनों एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा है। सो मतलब मैंने इस सबको मतलब मैंने लो कर दिया, और अपने को क्या कहते हैं कैट सही है ना, वुल्फिस दिख रहे हैं बस मेरे को, यहाँ पे 3 वुल्फिस दिख चुके, कैट नहीं दिख रही मेरे को अब तक एक थी कैटी कैट। अबे साला वुल्फिस है यार यहाँ पे, तो कैट कहाँ गई सारी, और यहाँ पे कहीं पे भी मतलब मेरे को नहीं दिख रही अभी के लिए तो वो कैट्स। एक मिनट यहाँ पे तो यार कैट्स ही नहीं है, और यहाँ पे मतलब मेरे को ये बेयर की गुफा दिख रही है, मतलब मेरे को कैट्स नहीं दिख रही। हाँ सेट लिखा है अपना जो पैरा वाला ये फॉरेस्ट है वहाँ पे अपने को लेवल 1 की कैट्स नहीं मिली, लेवल 1 क्या होता है यार, टायर 1 की अपने को कैट्स नहीं मिली। सो हम क्या कहते हैं ये सारी जगह को मैं लूट लेता हूँ, और मैं वापस से क्या कहते हैं इस पॉइंट को मतलब इस लोकेशन को मैं रिसेट करके मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ, और फिर देखते हैं कि अपने को वापस से अपने को टायर 1 की कैट्स मिलती है कि नहीं। राइट गाइस मैं वापस आ चुका हूँ पेन फॉरेस्ट में, और इस बार देखते हैं कि क्या अपने को मिलती है कि नहीं अपने कैट्स। कैट्स कहाँ है भाई, अपने को कैट्स चाहिए, और मतलब मेरे को ये भी देखना है कि क्या मतलब मैं एक साथ दो दो कैट्स में क्या क्या ले जा सकता हूँ क्या अपने साथ। नहीं पिगी है बस यहाँ पे, तो अंदर चेस्ट है लेकिन मतलब क्या कहते हैं मैं बाद में लूट लूंगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब मैं पहले भी मतलब लूट के आता पूरा का पूरा फॉरेस्ट। सो इस सारी मतलब लूट की तो आप लोग दिक्कत मतलब मैं एकदम हरा भी बंदा हूँ, कुछ भी छोड़ के मतलब मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। 15 minutes later. ओ सो गाइस फाइनली अपने को यहाँ पे कैट्स दिख चुकी है, और यहाँ पे अपने को दो दो कैट्स दिख चुकी है। सो मतलब अभी मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मतलब मैं एक साथ दो दो कैट्स को क्या कहते हैं मैं टेम करके ले जा सकता हूँ क्या। यूज इसको मैंने दे दिया, और इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ क्या मैं, नहीं एक साथ मतलब मैं एक एक ही को मतलब मैं ले जा सकता हूँ। सो मतलब मेरे को एक एक करके मतलब मेरे को ले जाना पड़ेगा। सो डायरेक्ट मतलब मैं जल्द से जल्द क्या कहते हैं मैं आप लोगों को डायरेक्ट रेंज पे मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली अपने को अपनी कैट मिल चुकी है, और ये भी आई थिंक फीमेल ही है, लेकिन अपने को दिक्कत की बात नहीं है, अपने इसको क्या कहते हैं टेम कर लिया है, बस अभी ये 1 घंटे में सब कुछ अडोप्ट कर लेगी, और तब तक क्या कहते हैं मैं बाकी के कैट्स लेके आता हूँ, और जब क्या कहते हैं अपने को वहां पे जाना पड़ेगा मैं डायरेक्ट आप लोगों को तभी मिलता हूँ। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So guys, आप लोगों को पता है कि मैंने अभी अभी एक बहुत ज्यादा ही बड़े दिमाग वाली चीज की है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने क्या कहा कि जब मैं उस वाली कैट को छोड़ के आया और मैं अपने रेंज पाया, तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार देखूं कि क्या अगर मैं इसके लेवल्स थोड़े बढ़ा दूं, यानी कि यह वाली कैट जो कि अपने पहले से अपने पेट हाउस में थी इसके मैं थोड़े से लेवल बढ़ा दूं, क्या मेरे को और प्रोग्रेसिंग पॉइंट मिलेगा जब मैं उसको दूंगा तभी। तो मतलब मैंने क्या सोचा कि जब मैं इसको क्या कहते हैं लेवल अप करने ले ही जा रहा हूँ, सो मतलब मैं ना ये वाली कैट को भी क्या कहते हैं अपने साथ लेके आया हूँ, और अभी ये वाली जो कैट है नीचे वाली अपनी
वो क्या कहते हैं अडेप्ट कर रही है और ये अडेप्ट कर लेगी एक घंटे में। सो क्या कहते हैं इसके बाद हमारी जो आखिरी वाली केट भी हो ही जाएगी, अगर इससे अपने को ज्यादा प्रोग्रेसिंग पॉइंट अपने को नहीं मिले। सो अभी क्या कहते हैं वापस से चलते हैं डायरेक्ट नेचुरल एस्केप। सो गाइस मैं आ चुका हूँ वापस से नेचुरल एस्केप में, और अभी देखते हैं कि क्या मैं जो सोच रहा था वो सही है कि नहीं, कि अगर मैं अपने जो कैट्स या फिर अपने जो एनिमल्स को दूंगा इसके जो मैं ऑलरेडी लेवल अप करके दूंगा, क्योंकि जो इसका लेवल था वो पहले मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, इसका जो लेवल था वो था पहले 15 लेवल का, अभी मैंने इसका 22 लेवल कर दिया, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट फास्ट लेवल अप हो रही थी। आई थिंक इसलिए क्योंकि ये अभी टायर 1 की, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट फास्ट क्या कहते हैं ये लेवल अप हो रही थी, क्योंकि इसके जो एक ही बारी में हम बस एक ही मतलब मैं पिन फॉरेस्ट में गया था और उधर इसने बस 7 लेवल अप हो गए ये वाली जो ये एनिमल है वो। सो अभी देखते हैं, और अगर मैं इसको अपना ये वाला पेट देता हूँ तो क्या ये अपने को 10 से ज़्यादा अपने को पॉइंट देगा कि नहीं। वैसे अपने को नहीं देगा तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वाला पेट है वो ऑलरेडी क्या कहते हैं अपने पास है। ब्रिंग द एनिमल टू द नेचुरलिस्ट कैंप टू रिसर्च अ न्यू टाइप ऑफ बाइट, सिलेक्ट द एनिमल विल यू द प्रोसेस। ओके देते हैं इसको, अपने को कितने मिलेगी। यू वॉन्ट बी एबल टू टेक बैक इट बैक, वो तो मतलब मेरे को पता है। सिलेक्ट एनिमल विल बी प्रोग्रेस रिसर्च बाइट इन। ओके सो मतलब इससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने लेवल का हम एनिमल दे रहे, वो मैटर करता है कि हम कितने टायर का हम एनिमल दे रहे। यानी कि अगर मैं मतलब क्या कहते हैं टायर 1 की कैट दूंगा सो इसका 10 ही होगा। सो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको आगे जाके टायर 2 की जब अपने को बाइट मिल जाएगी और जब हम टायर 3 की हम बाइट लेने की रिसर्च कर रहे होंगे तब इसको क्या कहते हैं टायर 2 की जब कैच दूंगा तो क्या कहते हैं ये ज़्यादा अपने को प्रोग्रेसिंग पॉइंट अपने को देगा। सो दे दे अभी के लिए तो गिव द एनिमल रिसर्च प्रोग्रेस +10। ओके सो अपना 10 और बढ़ चुका, और अभी अपने को आई थिंक 5 ही चाहिए होगा, देखते हैं। यस अभी अपने को बस 5 ही चाहिए, और हम वो वाली एनिमल्स को क्या कहते हैं वो वाली जो पेट है अपनी उसको हम इसको दे देंगे और अपनी जो न्यू बाइट है वो अनलॉक हो जाएगी। लेकिन उसके लिए अभी 1 घंटे की देरी है, आप लोगों के लिए नहीं बस मेरे लिए 1 घंटे की देरी, आप लोगों को तो बस यू ही मिल जाएगा। सो मैं आप लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ इधर ही। हाँ हाँ मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को वापस से नेचुरल कैंप में मिलूंगा, लेकिन क्या करें यार टायर 5 में आने के बाद मेरे को पहली बार ऑन रोड का एक इजी इवेंट मिला है, और अपने को ऑन रोड के इवेंट करने ही पड़ेंगे, और ये वाला मिशन इजी वाला इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पिकअप कर लिया, और अभी इसमें बस 5 मिनट ही बाकी थे। और जैसे ही मतलब मेरे को पता चला कि इसमें बस 5 मिनट ही बाकी है मैं डायरेक्ट अपने हथियार वथियार उठा के यहाँ पे आ चुका हूँ। ओके सो अपने को रिवॉर्ड के रूप में अपने को ये टायर 4 की अपने को हाइट मिलने वाली है। वैसे टायर 4 की अपने को हाइट रिवॉर्ड के रूप में दे रहा है, लेकिन क्या कहते हैं अपने को फिर भी ये टायर 5 वाला ही मिशन है। सो अपने को थोड़ा मिशन तो क्या इवेंट है, सो अपने को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। वैसे तो इजी है तो दिक्कत की बात होने नहीं वाली, लेकिन अपने को क्या कहते हैं ये वाले इवेंट्स अपने को करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लीडर आ गया, क्योंकि जो अपने ओके ऑलमोस्ट गया ये, और ये तो गया। अच्छा क्योंकि मैं ये कह रहा था कि अपने को ये वाले इवेंट करने पड़ेगा, क्योंकि इसी से ही अपने को क्या कहते हैं पेट बाउस मिलेंगे, और पेट बाउस अपने को चाहिए होगे आगे जाके, क्योंकि अपने को अपना जो पेट हाउस है उसको अपग्रेड करना है। सो क्या कहते हैं उसको इसके लिए अपने को पेट हाउस सही हो गए, और रेडर्स का ही मर जा तू दयालु। ये मेरे को पता है आगे से और पीछे से दोनों तरफ से बंदे आएंगे। वैसे ऑलमोस्ट बेटे उसको क्यों मारा, इधर आ जाना भाई। कितनी एचपी ले गया ये, मतलब ऑलमोस्ट ये 200 एचपी ले गया इसकी, तो आ जाना भाई चल जाना भाई, क्यों रुक रहा है तो खामे खा। ओ नीचे एक और बंदा है, वैसे स्नाइपर वाला था, गया ये तो। बस अपना डॉग है वो उस वाले डॉग से फाइट ना करे। ओके नहीं कर, अच्छी बात, चलो इसको पहले मारो, वरना ये अपने को दिक्कत दे सकता है पहले। ओके नीचे से बंदे आ रहे, शूटर गया रहा भाई। यार सारे बंदे इस पे ही अटैक कर रहे हैं भाई, हद है यार। वैसे इजी वाई डिफिकल्टी इसलिए ज़्यादा डेमेज नहीं दे रहे, वरना मेरे को पता है एक बार मतलब मैंने टायर 4 में हार्ड वाला मिशन किया था उसमें भाई वाट लगा दी थी इन लोगों ने। और मैं ये वाला हीलिंग यहाँ पे ले लेता हूँ अभी के लिए तो, और कोई तो नहीं आ रहा ना भाई पीछे से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हरामी लोग भाई पीछे से आते हैं अचानक से। राइट हियर वी गो, कोई नहीं आ रहा, अच्छी बात है। और कितने रोड है, ओ सामने एक और बंदा है। अबे रेडर तेरी भैंस की रेड,
फिर भी यार इससे ये रेंडर बहुत ही घटिया थी, जैसे बता एस टू एस के में देते उसने पीछे पे ज्यादा ज्यादा क्या कहते मार दिया, फिर भी पीछे से ना आ रहा कोई। ओ मेरा मेरा वेपन टूट गया बे, ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई वेपन टूटने वाली, डर लगता है भाई। और आई होप कि क्या कहते मेरी रिकॉर्डिंग क्रैश ना हो इसी चक्कर में। और ये वाला तो हो जाएगा यार, मतलब इजी डिफिकल्टी इसलिए बच गए, वरना ओके हो गया लो हो जाएगा क्या, हो गया ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो जल्दी करो जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास, इवेंट खत्म हो जाएगा, मैं पूरी की पूरी चीज़ें मैं दो बार में ला नहीं पाऊँगा, मेरे को एक ही बारे में सारी की सारी चीज़ें लेके जानी पड़ेगी जितनी आ सके। वैसे से ये सारी क्या कहते मैं खा लेता हूँ बेरीज, ओके अपने को एक ही मिलता है कोई बात नहीं, अपने को एक ही पेट बाउस मिलेगा, पेट बाउस क्या होता है पेट बाउली एक ही है। इसमें क्या मिलेगा भाई, ओ खजाना ही खजाना, उठा लो भाई सब। हाँ अपने को ये नहीं चाहिए और ना ही अपने को वो चाहिए, क्योंकि वो दोनों चीज़ें अभी के लिए तो अपने कुछ काम की नहीं है। इन दो पेटियों में क्या है दिखते है? अपने को ये रोप भी नहीं चाहिए, मेरे पास रोप भी काफ़ी बड़ी है वैसे। ओ यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पानी की बोतल है ये पी लो भाई, ये पहले स्टील का सारे सामान उठाओ भाई। ये हाइट भी मेरे को चाहिए क्योंकि हाइट की बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही है मेरे को। ये वाली भी चाहिए अपने को, थिक लेदर, थिक लेदर किसके भले मिलूँ, लेकिन मेरे पास वुल्फ के फैंग काफ़ी ज़्यादा ही है वैसे, आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 150 होने वाले, तो उसकी भी दिक्कत की बात नहीं है उतनी। यहाँ पे हम वापस आएंगे देखने के लिए और क्या क्या है वैसे, और रिकॉर्डिंग अभी भी जा रही है सही से, अच्छी बात है। ये वॉच अपने को नहीं चाहिए, इसको भी मैं इसे ले लेता हूँ, और मेरे को ये स्टील के पास चाहिए क्योंकि मेरे पास नहीं है, कितने है भाई अंदर एक ही पड़ा मेरे घर पर। और हाँ ये नहीं चाहिए मेरे को, कॉल भी है मेरे पास काफ़ी सारे, कॉल के बदले मैं पानी की बॉटल ले लूँगा। और ये नहीं चाहिए, आयरन दे दो मेरे को, खाना वाना मैं यहाँ से खा के जाऊँगा पूरा। ये भी तो वैसे नहीं चाहिए मेरे को, फिर भी जस्ट इन केस इसके बदले में ले लेता हूँ, और पानी की बोतल में एक्स्ट्रा एक को ले लेता हूँ, फिर मेरे पास स्पेस है क्या। ओके मेरी हेल्थ भी फुल हो चुकी है वैसे तो, कौन मेरे पास पड़े कौन की अपने को इतनी ज़रूरत नहीं, मैं पानी की बोतल उससे अच्छा ले लेता हूँ। या और तो अपने को कुछ चाहिए नहीं यहाँ से, ये कैक्टस तो अपने को वैसे भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं, और कैक्टस का उतना कुछ काम नहीं, मतलब काम नहीं है, काम क्या होता है काम नहीं है, और माल पा के चार लोग काम कुछ काम नहीं है अपने को ये बसाल्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ से अपनी सारी लूट हो चुकी है, और मैं आप लोगों को अभी फाइनली आप लोगों को मैं डायरेक्ट मिलता हूँ कहाँ पे, मैं भूल गया जाने दो। सो गाइस वापस से वही सेम चीज़ हो चुकी है कि मतलब मेरी रिकॉर्डिंग क्रैश हो चुकी है, और मतलब मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बातें मतलब मैं नहीं बता पाया, लेकिन मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या हुआ कि मतलब मैं एक और कैट को लेके आया था, और लकीली वो मेल कैट थी, और मतलब मेरे को पहली बार मतलब मेरे को एक मेल कैट मिली थी, लेकिन क्या कहते हैं कि मेरी किस्मत बुरी कि मतलब मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, और मतलब मेरी इन लोगों से भी बातचीत हुई, और जो ये लेली मतलब ये कह रही कि जो वो पूछस थे वो अभी तक उन लोगों की कोई मतलब मेरे को न्यूज़ नहीं मिली है, और ये जो वेरोनट है उसने अपने को कहा कि क्या कहते हैं थैंक्स टू यू कि क्या कहते हैं मेरी अपने रिसर्च सक्सेसफुल हुई, और क्या कहते हैं हमने एक न्यू टाइप की जो बाइट है वो हमने क्या कहते हैं क्रिएट की है, और वो अपने को बोल रहा है कि मतलब जैसे ही तुम वो जो न्यू तरह की जो बाइट मतलब हमने क्रिएट की है, मतलब मैंने और जॉय रेरी ने मिलकर जो क्रिएट की है ये द्रौपदी पत्नी ने, वो क्या कहते तू ये ले वो बाइट, और क्या कहते तू जैसे उसका बना और उससे क्या कहते एक पेट को किसी को भी एनिमल्स को तो टेम करके मेरे पास ला कर ला, ताकि क्या कहते मैं और भी नई नई तरह की मतलब मैं बाइट्स अनलॉक कर पाऊँ। और सबसे पहले क्या कहते देख लेते हैं वैसे मतलब मेरे को ये पूरा मैंने रिकॉर्ड किया था वो, लेकिन क्रैश हो चुकी जैसे कि मतलब मैंने देखा तब मेरे को पता चला कि वो क्या कहते क्रैश हो चुका है, और यहाँ पे क्या कहते मेरे को ये मिल चुका है और अलाउस टू रूर लग्जरी अप टू लेवल 35, लेकिन इसकी रेसिपी क्या है भाई। अपने को ये वाली जो बाइट है वो अपने को मिल चुकी है, और अभी के एकदम मैं आप लोगों को डायरेक्ट रेंज पे चल के दिखाता हूँ कि वो कैसी तरह की बाइट है वो, और वो कैसे बनती है। बार बार लगातार साला हर बार यार रिकॉर्डिंग क्रैश हो जाती है यार, मतलब
यार क्या करूँ यार, मतलब मैं हर बार मतलब मैं रिकॉर्ड करने के जाता हूँ और मतलब मैं देखता हूँ कि मतलब यार रिकॉर्डिंग क्रैश। और मतलब मैं ये वाला पार्ट में तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो वाला पार्ट में दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा था, इससे पहले वाला ये वाला तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और पता नहीं मतलब मैं पांचवी बार भी मतलब मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ता है पड़ेगा, मतलब मेरे को मालूम नहीं है। सो यप, मैं पहले यार खाना खा लेता हूँ, अभी इसको भी भूख लग चुकी है। सो इस वाले पार्ट में हमने क्या किया था कि मतलब मैं फाइनली रेंज पे आ चुका था, और क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये वाली जो बाइट है उसको क्या कहते हैं बनाने के लिए अपने को अपनी जो ये वर्क बेंच है उसको क्या कहते हैं अपने को लेवल 2 का करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या कहते हैं 1 दिन 12 घंटे का टाइम लगेगा, और इसके लिए ये सारा सामान लगेगा जो कि मतलब मैं कल तक मतलब मैं पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कर लूँगा, और उसके बाद ये 1 दिन 12 घंटे का अपग्रेड होगा। और अपनी ये जो टायर 2 की बाइट बनाने के लिए अपने को हर बार की तरह अपने को टर्की तो अपने को लगेगा लो टर्की, और अपने को इसमें चाहिए होगी क्या कहते हैं टायर 2 के क्या कहते हैं हाइट, यानी कि थीक हाइट अपने को चाहिए होगी, और अपने को चाहिए होगी टायर 2 के जो फैब्रिक होते हैं वो अपने को चाहिए होगी। सो क्या कहते मतलब मेरे को पता नहीं कि वो क्या कहते हैं इस वाली जो क्या कहते हैं टायर 2 की जो बाइट है उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अपने को क्या कहते हैं टायर 1 की जो बाइट है उसको बनाने के लिए 1 दिन लगता है, तो टायर 2 की जो बाइट होगी उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 दिन 12 घंटे, 2 दिन 3 दिन तो आई डोंट थिंक लगने चाहिए, 3 दिन तो फिर आई थिंक बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, 2 दिन या फिर 12 घंटे ऐसा कुछ टाइम आई थिंक लगना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी टायर 2 के पेड्स या फिर उससे भी हाई लेवल के पेड्स है तो मतलब मेरे को बताना कि क्या कहते ये जो टायर 2 की अपनी बाइट है उसको क्या कहते क्रिएट होने में कितना टाइम लगेगा, 1 दिन 12 घंटे, 2 दिन 12 घंटे या फिर पूरे 2 दिन लगेंगे, मेरे को कमेंट में बताना। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो क्या कहते उसको लाइक कर देना, और चैनल पे रहे हो और अभी तक आप लोगों ने मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मतलब मैं आप लोगों को एक बढ़िया से एडवाइस देना चाहूँगा कि मैं मतलब ऐसे गेम रिलेटेड कॉन्टेंट लाता रहता हूँ, सो मतलब आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें आपका ही फायदा है कि आप लोगों को गेम रिलेटेड कॉन्टेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। और एक मजे की बात बताऊँ, ये एकदम फ्री है, यस, यानी कि फ्री के चीज कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। और मैं जल्दी जल्दी अभी आउट्रो कर देता हूँ वरना मतलब पता चला कि ये वाली भी रिकॉर्डिंग भी क्रैश हो चुकी। सो अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आओ सो इसको लाइक कर देना, और मैं सब्सक्राइब तो बोल ही दिया है, सो मैं मिलता आप लोगों को किसी और वीडियो में किसी और गेम के साथ, तब तक के लिए टिल देन। और न्यू इमोट भी आई है क्या? बढ़िया है, मार के देखता हूँ। आई थिंक ये क्या कहते अपने पेट के साथ हम इसको इमोट कर पाएंगे, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ मैं तो आप लोगों को किसी और वीडियो में किसी और गेम के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय।